फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब होप आप सब अच्छे से होंगे खैरियत से होंगे ख्याल रख रहे होंगे आप लोग की दुआओं से हम लोग भी अच्छे अलहमद और फिर से नए ब्लॉग के साथ आप ये एकदम सुबह का टाइम है मॉर्निंग सिक्स ओ क्लाक का देखिये आज कल सुबह जो है ना तो इसलिए कितना अंधेरा अंधेरा नजर आ रहा है बाहर और यहाँ पे मैं बच्चों बच्चों को उठाने के बाद बच्चे रेडी हो रहे हैं और यहाँ पे मैं बच्चों को के लिए टिफिन की तैयारी कर रही हूँ और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पिज्जा तवा पिज्जा ब्रेड से बना रही हूँ के पतला कर लिया है थोड़ा सा उसके ऊपर पिज्जा सॉस पहले लगाया है अब यहाँ पे थोड़ी सी मेयोनीज लगा रही हूँ हल्की सी और क्योंकि मैं पिज्जा का ऐसे बनाती नहीं हूँ तो मैंने सोचा कि इंस्टेंट वाला पिज्जा है मेयोनीज लगा के देखू तो ऊपर से ने चीज डाल दिया है जो कि मोजर चीज़ है उसको अच्छे से डाल दिया है और साइड डाल रही हूँ एक तरफ मैं ऑलिव रख रही हूँ क्योंकि फ्लैग डे स्कूल में कुछ मंगाया गया था जो कि फ्लैग के कलर का दुबई का जो कलर होता है ग्रीन एंड रेड एंड व्हाइट चार कलर्स होते हैं तो इससे इस मिक्स करके कुछ भी डिश बनाने को तो फिर देखिए इस तरह से मैं पिज्जा बना रही हूँ साइड में मैंने ऑलिव्स रख दिया है और बीच में पीज़ है और एक साइड में रेड कलर के टोमेटोज रख रही हूँ और एक तरफ मैं कैप्सिकम रख रही हूँ तरह से रखने के बाद ऊपर से मैंने थोड़ से और थोड़े से मैंने थोड़ा सा स्प्रिंकल किया और इसके बाद मैं तवे पर रख दूंगी से मैंने इसको किया था इसके बाद मैं तवे पे रख दूंगी ताकि ये अच्छे से चीज़ वग़ैरह पक जाए एक पैन को मैंने हल्के से ग्रीस कर लिया है तवे पे अब ये देखिए ये पिज़्ज़ा जो ब्रेड पिज़्ज़ा है ये मैंने रख दिया है और इसके ऊपर मैं ढक्कन ढक धक दूँगी ताकि अच्छे से जो चीज़ वग़ैरह है सब अच्छे से मेल्ट हो जाए और जो भी सब्जियां हैं वो अच्छे से पक जाएँ और जब तक बच्चे रेडी हो गए थे देखिए बच्चे निकलने लगे थे और लेट भी होने होने लगा था तो मैंने फटाफट इन लोग के टिफ़िन में पिज़्ज़ा मैंने रखा और ताकि क्योंकि साढ़े छः बजे इन लोग की बस आ जाती है और यहाँ पे देखिए बच्चे जा रहे हैं अपने अपने स्कूल और आपने देखा भी उन लोग लो ने ग्रीन कैप लगाई है यू की और जैकेट पहना हुआ है यू के कलर की तो इस तरह से अलाउड था कि आज पहन के आ सकते हैं और जब बच्चे चले जाते हैं तो मैं बालकनी में थोड़ी देर खड़ी हो जाती हूँ ऊपर से देखती हूँ उन लोग की बस आई कि नहीं आई वैसे तो दिखता नहीं है रिसेप्शन वो रिसेप्शन वाला एरिया जहाँ से बस बच्चे बस पे चढ़ते हैं मगर बस आती है इधर से तो दिखता है और यहाँ पे देखिए मैं देख कि वहाँ पे ये फार्मर्स होते हैं ना माली लोग होते हैं गार्डनर्स लोग सॉरी फार्मर्स नहीं गार्डनर्स लोग ये देखिए यहाँ पे फूल लगा रहे थे क्योंकि वेदर अच्छा हो गया है तो फ्लावर का जो है अक्टूबर नवंबर से मतलब लगाने लगते हैं तो यहाँ कितने सारे गार्डनर्स हैं इन लोग की सुबह सुबह ये लोग आ जाते हैं छः बजे ही मतलब थोड़ा सा भी उजाला होता है ये लोग आ जाते हैं और इस तरह से वर्क करते हैं सुबह ही मतलब ये लोग की ड्यूटी जो होती है वो सुबह की होती है अपना करके जो भी प्लांटिंग वगैरह करनी होती है वो करके चले जाते हैं देखिए प्लांट्स लगा रहे हैं और फिर दोपहर का टाइम हो गया यहाँ पे मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ थोड़ा सा चावल मैंने भिगाया था इसको मैं पीस लूँगी क्योंकि रात में गेस्ट आने वाले हैं तो उसके लिए मैं खाने की भी तैयारी कर रही थी ये खीर के लिए दूध डाल दिया है और एक तरफ गोश्त कोरमा बना रही हूँ सिंपल सा सादा वाला और ये देखिए ऑयल डाल दिया है फ्राई होने ऑयल डा, डाल दिया गरम करने के लिए देखिए दूध हल्का सा गरम हुआ तो इसमें मैंने चावल डाल दिया है जो पिसे हुए चावल थे देखिए सारा चावल मैंने डाल दिया है अब इसको दूध को थोड़ा पकने दूंगी बीच बीच में चलाती रहूंगी ताकि ये दूध जो है वो गाढ़ा हो जाए और थोड़ा से बीच बीच में हिलाते रहना है ताकि ये बीच में लगे नहीं उसमें नहीं तो फिर अगर छोड़ दे नीचे लगने लगता है ना चावल है तो और इधर तेल गरम हो गया है तो मैं, मैंने प्याज ऐड कर दिया है ये देखिए और यहाँ पे देखिए प्याज को अच्छे से लाल कर लेंगे जब प्याज लाल हो जाएगी तब मैं ऐड कर दूंगी गोश्त को तो, तो यहाँ पे देखिए और यहाँ पे मैं साथ ही साथ मैंने कहा सारे काम आप निपटा के रख दू आटा भी गूंद के रख देती हूँ खीर बना के रख देती हूँ कौरमा बना के रख देती हूँ रोटी शाम में बना लूंगी और गरम गरम और चावल भी शाम में बना लूंगी तो ये देखिए आटा गूंद रही हूँ फटाफट ताकि शाम में काम हल्का रहे सुबह ही ज़्यादातर काम सुबह कर लो तो शाम में इतना ज़्यादा तो लगना नहीं पड़ता किचन में तो ये देखिए और यहाँ पे देखिए प्याज लाल हो गई अच्छे गोश्त ऐड कर दिया है ये मैंने गोश्त अच्छे से वॉश किया था इसको ऐड कर दिया है और साथ ही साथ में खीर भी चलाती रहूंगी देखिए खीर भी गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है ये देख सकते हैं आप लोग और इसको बीच बीच में चलाते ही रहना है यहाँ पे देखिए लहसुन अदरक का किया हुआ है गोश्त में सिम्पल मैं बना रही हूँ जो एवरी डे के लिए जो बनता है और यहाँ पे देखिए मिर्च मिर्ची हल्दी धनिया मैंने ऐड कर दिया है इसमें ये देखिए तू धनिया में लेकर आई थी मसाले इंडिया से जब भी इसके डब्बा खोले इतनी अच्छी खुशबू आती है ना धनिया की बीच में मैं जब मेरी इंडिया वाली धनिया ख़त्म हो गई थी तो मैं रेडीमेड धनिया यूज़ कर रही थी और उसमें कुछ इतनी खुशबू आती है और मैंने टमाटर आया हुआ है और पानी डाल दिया है नमक ऐड कर दिया मैं इसमें विसल लगा दूंगी और खीर में मेरी पकना शुरू हो गई है इसमें देखिए मैंने शक्कर ऐड कर दिया है चीनी अपने हिसाब से हल्की सी मीठी बनाई है बहुत ज़्यादा मीठी नहीं ताकि खाने में वो रहे बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कभी कभी अच्छा नहीं लगता है ना खाने के लिए और इसमें थोड़ी सी इलायची डाल दी थी मैं डालना भूल गई थी तो मैंने इलायची ऐड कर दी है साथ ही साथ तो और ड्राई फ्रूट्स को मैंने कट कर लिया था कट नहीं किया है थोड़ा सा ऐसे मतलब उसको कूट लिया था ताकि छोटे छोटे हो जाए और इस तरह से मैंने इसमें ऐड कर दिया है फ्रूट्स भी इसमें अच्छे से वो हो जाएगा सॉफ्ट हो जाएगा और फिर बस बन गई है इसको बंद कर देंगे और फिर साफ सफ़ाई में लग सफ़ाई हो रही है मेरी मैंने किचन का, का काम पूरा निपटा लिया पूरा किचन समेट लिया और अब मैं पोछा कर रही हूँ जल्दी जल्दी घर भी साफ़ करना था और खाना वाना बनाने के बाद जब किचन साफ़ करो तो सही रहता है वरना सफाई करने के बाद किचन में और खाना बनाओ से किचन गंदा हो जाता है तो देखिए अच्छे से किचन अभी एकदम साफ़ हो गया चमक गया है इनके बाहर वाली जो बालकनी है उसको भी मैं साफ़ कर लूंगी सबसे पहले तो ये कपड़े उठा लूंगी जो कि सूख गए हैं तो ये देखिए मैंने स्टैंड को साइड में कर दिया है और यहाँ पे भी मैं साफ़ सफाई कर कर लूँगी और कपड़े भी हटा दूँगी ये देखिए मैंने सोचा पोछा ही कर लेती हूँ पहले कपड़े बाद में हटा लूँगी क्योंकि कपड़े ले जाके कर भी बेड में रखना ही है उसके बाद तय लगाना है तो मैंने स्टैंड साइड में कर दिया और इसको भी साफ़ कर दिया किचन की बालकनी और फिर आ गई हूँ मैं हॉल की बालकनी की तरफ हॉल वगैरह मैंने साफ़ कर लिया था पोछा वगैरह लगा लिया था देखिए कितने बीच बीच में गंदे हो जाते हैं ये जो आ, कुछ ना कुछ कचरा उड़ के आ जाता है हवे से तो इस तरह से मैं पोछे को अच्छे से साफ कर लूँगी मॉप को और उसी से मैं इस तरह से इसकी जो रेलिंग है ना इसी को पोछ लेती हूँ और शीशा वगैरह क्लीन था क्योंकि शीशा वगैरह मैंने किया हुआ था पिछले हफ़्ते तो इसलिए शीशा मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पर थोड़ी सी डस्ट बैठ जाती है तो इस तरह से यहाँ पर इस तरह से हम लोगों ने यूनिकॉर्न का घोड़ा लगा के रखा है ताकि पीजेंस नहीं आए क्योंकि पीजेंस आते हैं ना तो आके गंदा कर देते हैं तो जब से लगाया है तो आ नहीं रहे हैं तो देखिए है, साफ़ सफाई चल रही है हॉल की भी तो बालकनी में जो भी छोटे छोटे जो उसके टुकड़े होते हैं कचरा कुछ गिरा हुआ होता है वो मैं डस्ट पैन से उठा लेती हूँ फिर इसके ऊपर अगर मैं पोछा मार देती हूँ ना तो अच्छे से जो भी डस्ट वगैरह रहती है तो फिर डिटॉल डालकर अच्छे से इस तरह से पोछा में मार देती हूँ तो एक ग्रास एकदम क्लीन हो जाता है और एकदम शाइन करने लगता है जो द, जो भी डस्ट रहती है ना वो इस पोछे की वजह से मॉप की वजह से एकदम क्लीन हो जाती है देख सकते हैं आप लोग एकदम मतलब शाइन करने लगता है और इस तरह से बीच बीच में साफ़ करते रहो ना तो अच्छा भी रहता है क्योंकि बच्चे बच्चे भी आते हैं बैलकनी में खेलते हैं अभी तो मौसम अच्छा हो गया है तो बच्चे लोग बीच बीच में आते रहते हैं मैं भी आके बैठ जाती हूँ चेयर वग़ैरह रख के और क्योंकि शाम को अच्छा लगता है यहाँ पर बैठ के चाय पीते हैं गर्मी थी तो नहीं आते थे अभी मौसम अच्छा हो गया है तो आके बैठते हैं हम लोग तो अच्छा लगता है तो अगर साफ़ रहे तो बैठने में भी साफ़ सफाई अगर रहे तो बैठने में भी अच्छा लगता है है ना और फिर मैं आ गई थी अपना ये गोश्त का देखने सालन देखिए अच्छे से बन गया है गल गया है मैं इसको अच्छे से भून दूंगी धीमी आंच पे इसको मैंने रख दिया है ताकि अच्छे से भुने और देखिए भुन भी चुका है काफ़ी हद तक इसने तेल भी रिलीज़ कर दिया है तो जितना भुनाई करते हैं टेस्ट उतना ही अच्छा आता है अब लास्ट में इसमें मैं गर्म मसाला ऐड कर रही हूँ वही नॉर्मल तरीका है जो कौरमा जिस तरह से बनाते हैं वही है तो हम लोगों के जो अलाहाबाद में जो बनता है ना उसमें प्याज ज़्यादा डलती है और टमाटर नहीं डलता है या फिर टमाटर थोड़ा डलता है तो इसलिए मैंने इसमें मतलब टमाटर एक ही डाला था प्याज ज़्यादा डाली थी तो अच्छे से इसमें जब गरम मसाला डाल के अच्छे से फिर से भून लिया उसके बाद मैंने अपने हिसाब से इसमें शोरबा लगा लिया सालन पानी डाल के इसके बाद हल्का सा प्रेशर लगाएंगे ताकि अच्छा सा ग्रेवी बन के रेडी हो इसके बाद मैं खाना खा रही थी ये कल का सालन था वो खा रही थी और ब्लैक वाले जो ऑलिव्स है उसके साथ मैं खा रही थी तो ब्लैक ऑलिव्स बहुत अच्छे लगते हैं खाने के साथ अचार की जैसे काम करता है ऑलिव और फिर खाना वाना खाने के बाद बच्चों ने भी खाना खा लिया था उसके बाद मैंने सोचा कुशन कवर्स चेंज कर देती हूँ तो ये कुशन कवर्स है जो कि मैंने इंडिया से लेकर आई थी तो ये रखा हुआ था तो मैंने कहा कि इस बार चेंज कर देते हैं तो ये वाले मैंने सोचा येलो का कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा ब्लू के साथ तो इसलिए मैंने येलो का लेकर आई हूँ और देखिए मैं चढ़ा के दिखाती हूँ सारे पहले क्वेश्चन कवर्स चेंज कर देती हूँ फिर आप लोग को फाइनल लुक दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है इसका फाइनल लुक ये देखिए इसके ऊपर ना मैंने इस तरह का कपड़ा बिछाया हुआ है जो थरो कवर्स होते हैं ना सोफ़े के वो बिछाया हुआ है क्योंकि गंदा नहीं हो क्योंकि जानते हैं छोटे बच्चों का घर है तो ये कुछ ना कुछ खाते रहते हैं हर वक्त सोफ़े पे बैठना गिराना पानी गिरा दिया कुछ भी नहीं कभी दूध पीते पीते गिरा दिया तो इसलिए बिछा के रखो ना तो सोफ़ा थोड़ा सही रहता है वरना तो एकदम सोफ़े का हाल ना वो ऐसा ख़राब कर देते हैं फिर जब कुछ कोई आने वाला होता है या फिर बीच बीच में मैं वॉश करती रहती है तो हटा देती हूँ तो देखिए तो इस तरह से मैंने कवर्स हटा लिए अब मैं कुशन सोफ़े को आ, सेट कर रही हूँ सारे जो भी गंदे कुशन निकले हुए थे उसका उसका कपड़ा जो मैंने बिछाया हुआ था वो सब मैंने निकाल दिया है इन सबको मशीन में मैं वॉश कर दूँगी और इधर सोफ़े को मैंने पूरा सेट कर दिया है तो देखिए और कितना अच्छा लग रहा है ये ब्लू के ऊपर येलो का कॉम्बिनेशन आप लोग खुद ही देख सकते हैं अच्छा लग रहा है काफ़ी मुझे तो बहुत पसंद आया मेरे हस्बैंड को भी बोल रहे थे अच्छा लग रहा है ये येलो का और ब्लू का कॉम्बिनेशन ये देखिए और ये वाला ब्लैक वाला मैंने इस रेड वाले जो आर्म चेयर हैं उसके ऊपर मैंने रख दिया है और इधर देखिए बच्चे बैठे हुए हैं अपना खेल रहे थे बच्चे भी तो घर पर पूरी तरह से साफ हो गया है यहाँ पे मैंने जो सेंटर टेबल के नीचे जो कारपेट रहती है उसको भी छा दिया है अब जो सेंटर टेबल है उसको भी मैंने इसके ऊपर रख दिया है तो ये देखिए ये अभी जब नीट एंड क्लीन होता है या फिर जब कुशन वशन चेंज करो ना तो घर का थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा सा तो लुक चेंज हो जाता है है ना और देखिए जब आराम से खूब तो अच्छे से सफ़ाई करो किसी दिन डीप क्लीनिंग तो ख़ुद से भी अपना घर कितना अच्छा लगता है वरना ये बच्चे देखिए इधर मैं सफ़ाई कर रही हूँ इधर कभी कुछ फेंक रहे हैं कभी बॉटल गिरी हुई है इन लोग को ना बस सफाई पसंद नहीं है जल्दी से वो लोग गंदा करते रहते हो देखिए बालकनी भी कितनी चमक गई है चमाचम हो गई है क्लीन करने के बाद और ये है फिर शाम में उस दिन गेस्ट वेस्ट आए वो सब का मैंने चेंज आप लोग मतलब कुछ भी शूट नहीं किया और यहाँ पे मैं नेक्स्ट डे का व्लॉग है इसमें ज़ुहान को चिल्ड्रेंस डे के लिए उन लोगों ने बोला था मैनी क्वीन चैलेंज के लिए तो कुछ भी ऐसा कोई भी पुराने किसी का भी आप ले सकते हैं पिक्चर्स और उसकी जैसे एकदम टिट्टो बच्चों का वैसे ड्रेसअप करके और बच्चों को उसी तरह से पिक्चर निकाल के भेजना है तो यहाँ पर मैं जुहान को और छोटे बच्चों के साथ तो बड़ी मुश्किल होती है उनको इस तरह से पोज़ बनाना तो देखिए मगर जुहान ने माशाल्लाह कोऑपरेट किया और दे देखिए इस तरह से मैं फ़ोटो क्लिक कर रही थी ब्लैक एंड वाइट तो इसलिए ब्लैक सूट तो मेरे पास था नहीं एकदम तो शादी वाला जो एक ड्रेस था वो ही मैंने तो इस तरह से मैं उसको बता रही थी स्ट्रेट देखो और मैं पिक्चर क्लिक कर रही थी अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोग ने किस किस तरह का पोज लेके उसको फ़ोटो खिंचा रहे थे तो ये देखिए ये है जवाहरलाल पंडित जवाहरलाल नेहरू तो इसी तरह का पोज़ मैंने बना के उसको एक टोपी लगा दी थी और इसी तरह का पोज़ मैंने बना के पिक्चर खिंचवाई थी और अभी मैं, आप, मैं आपको देख दिखाती हूँ कि किस तरह से वो पिक्चर आई है वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ तो ये देखिए ये है जोहान की पिक्चर्स जो मैं निकाल रही थी ये देखिए इसका फुल फुल जो फुल जो गेटअप था इस तरह से था मैंने लिखा भी था जो जोहान एस पंडित जवाहरलाल नेहरू और ये जायद की है जो हम लोग ने जब जायद के जी टू में था तब बनाए थे तो बताइएगा ज़रूर कैसे लग रहे थे जाहिद और जुहान और फिर शाम में हम लोग निकल गए हस्बैंड को काम था अपना गाड़ी का कुछ तो उनको गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी वो उसको कराने के लिए हम लोग अकूज़ गए तो वहाँ पे एक बहुत प्यारी सी जो मस्जिद थी उसका मैंने कैप्चर किया और आप लोग को दिखाया है मस्जिद कितनी अच्छी कितनी खूबसूरत दिख रही थी आप लोग ने देखा और देखिए कितना प्यारा इस मस्जिद का लुक है बहुत ही खूबसूरत ये मस्जिद है माशा और अंदर से भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये है कि दुबई में मस्जिदों की खूबसूरती जो है ना वो बहुत है यहाँ पे मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाए जिस भी मस्जिद में जाएंगे नमाज पढ़ने हर मस्जिद एक से बढ़कर एक है यहाँ पर और गाड़ी का काम खत्म करके फिर हम लोग करे करामा और बड़ दुबई के साइड गए जो कि ओल्ड दुबई है और जहाँ पे जो उसकी रौनक है ना दिवाली की वो देखने जा रहे थे तो देखिए बीच में बुर्ज खलीफा का व्यू आया और कितना खूबसूरत लग रहा है बुर्ज खलीफा का ये वाला व्यू दूर से ये बहुत ही सीनरिक नज़ारा है ये जो कि बहुत अच्छा लगता है और आ गए हम लोग देखिए बर दुबई के साइड तो यहाँ पे मोस्टली ना हिंदूज लोग रहते हैं तो दिवाली हो या फिर दशहरा हो तो इसमें एक, एक अलग ही रौनक रहती है इन सब एरिया आप खुद ही देख सकते हैं बिल्डिंग्स में किस तरह से सारी ऑलमोस्ट सारी जो बैलकनीज है सब लोगों ने अपने अपने घरों में लाइट्स लगाए हुए हैं सजाए हुए हैं तो ये सब देख के ना बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी अच्छा वो फेस्टिव वाला वो जो वाइब होती है ना फेस्टिव वाला माहौल रहता है तो वो सब रहता है तो वो हम लोग देखने के लिए आए थे और रश देखिए कितना है यहाँ पर तो फिर भूख लगी बच्चे तो सो गए थे शाम को जो बर्गर खा के सो गए थे और फिर मेरे लिए जब हम लोग गए वहाँ पे तो हम लोग ने कहा कि आए हैं तो छोले भटूरे खाते हैं वहाँ का अच्छा मिलता है तो रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा रश था तो मैं कार में बैठी थी क्योंकि बच्चे भी सो रहे थे तो हस्बैंड गाड़ी में लेके आए और बोल रहे थे कि सारे लोग मेरे को देख रहे थे मैं उठा के लेकर आ रहा हूँ प्लेट गाड़ी में क्योंकि गाड़ी में यहाँ पे ऐसे कहीं होता नहीं है कि कार में बैठ ऑर्डर करके कार में बैठ के खाओ वो फास्ट फूड वगैरह जो होता है ना ख़रीद के तो पूरी प्लेट ही ले आए रेस्टोरेंट की फिर हम लोगों ने खाना खाया फिर देखते हुए गए और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है पूरा पूरा नज़ारा और जितने भी लोग हैं और जो सेलिब्रेट कर रहे हैं दिवाली उनको विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है और यहाँ पे देखिए लोग पटाखे जला आ रहे हैं एक ग्राउंड है आधे लोग उस साइड खड़े हैं बहुत सारे लोग और बहुत सारे लोग इस साइड खड़े हैं तो कुछ लोग इधर से फेंक रहे हैं पटाखे कुछ लोग उधर से फेंक रहे हैं जला के पटाखे तो वो सारी चीज़ें भी हम लोगों ने देखी काफी अच्छा लगा और ये देखिए किस तरह से ये लोग पटाखे फेंक रहे हैं और देखने वालों का भी रश था वहाँ पे लोग खड़े होकर देख रहे हैं और जलाने वाले जला भी रहे थे तो ये हम लोग जब अपने घर के पास आए तो हमारे घर के पीछे वाले रोड में भी यहाँ पे लोग इस तरह से दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे लोग पटाखे वगैरह जला रहे थे तो वो सब भी देखा हम लोगों ने रुक गए हस्बैंड चले गए बोले मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ और आप लोग खड़े हो देखो तो मैं जाए जुहान को दिखा रही थी लोग फुलझरी जला रहे थे पटाखे जला रहे थे तो अच्छा लग रहा था आप लोगों को भी पसंद आया होगा ये दिवाली का जो मैंने वो दिखाया है सीन कि दुबई में किस तरह से लोग मनाते हैं क्योंकि अलाउड नहीं है इस तरह से खुले आम पटाखे वगैरह जलाना तो लोग इस तरह से ग्राउंड में इकट्ठे हो जाते हैं और जला लेते हैं वो भी बहुत थोड़े टाइम के लिए जल्दी से जला के चले जाते हैं क्योंकि पुलिस अलाउ नहीं करती है यहाँ पर इस तरह से क्रैकर्स वगैरह फोड़ने के लिए देखिए आप लोग देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं और क्रैकर्स वगैरह जला रहे हैं पटाखे तो बच्चों को भी क्यूरियोसिटी थी कि दिवाली में करते क्या हैं तो मैंने उन लोगों का भी पूरा हो गया पता चल गया अच्छा क्रैकर्स भी फोड़ते अब ये लोग भी ज़िद कर रहे थे हम लोग को भी क्रैकर्स फोड़ना है मगर हमारे पास था नहीं खैर कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम इन शाला बच्चों लोग को दिला देके और ये देखिए कान बंद करके खड़े भी हुए हैं दोनों को डर भी लग रहा है पटाखों की आवाज़ आ रही है तो तो ये था आज का मेरा यहाँ तक का व्लॉग होप आप लोग ने एंजॉय किया होगा पसंद किया होगा पसंद किया होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा आप लोग को कैसा लगा और अब इनशाला मैं रेगुलर बनाऊंगी व्लॉग्स काफ़ी दिन दिन के बाद आ रहे थे मेरे व्लॉग्स तो घर आए तो घर के हमारे जो सामने वाले नेबर थे उनके घर में भी दिवाली का इस तरह से डेकोरेशन किया हुआ था तो तो तीन दिन तीन अलग अलग तरह की रंगोली बनी हुई थी धनतेरस के दिन अलग फिर छोटी पहले वाली जो थी रंग, रंगोली वो छोटी दिवाली की थी और ये जो थी बड़ी दिवाली की थी तीन दिन फेस्टिवल इन लोग का होता है तो देखिए इस तरह से फूल वगैरह भी लगाए हुए थे और दिए वगैरह भी जलाए हुए थे तो अपनी अपनी बालकनी भी सजाते हैं अपने अपने डोरोर के पास भी वो लोग लो वेलकम करने के लिए वो लोग कुछ रंगोली भी बनाते हैं तो चलिए इन्जॉय करिए मेरा ब्लॉग फुल वॉच करिएगा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे भी दुआओं में अपनी याद रखिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज़